Hello dear students, welcome back to our channel. So today we are going to start with our next topic, that is apomixis. Now if you remember, जब हमने ये chapter start किया था, जब हमने sexual और asexual reproduction के बारे में पढ़ना start किया था, तब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग methods होते हैं sexual और asexual reproduction के. Asexual reproduction के हमने modes देखे थे. Sexual reproduction में हमने दो type देखा था, एक amphimixis और एक apomixis. एम्फीमिक्सिस में हमने ये देखा था कि दो सेपरेट गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. एम्फी मीन्स टू, ओके, मेल एंड फीमेल. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपोमिक्सिस के बारे में. अपोमिक्सिस के बारे में पढ़ने से पहले बहुत सिंपल मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अपोमिक्सिस. अपोमिक्सिस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर सिनगैमी इज नॉट इन्वॉल्व. सिनगैमी मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. टू डिफरेंट गैमेट्स are not involved in apomixis. Gametes are involved, but either only male or only female. Different gametes are not used over here. That is apomixis. Okay, so let's begin. Let's see what is the introduction says. It is a phenomenon of formation of embryos through a sexual method of reproduction without formation of gametes. And the act of fertilization. What does it say? That sometimes the gamete may form, sometimes the gamete may not form. But one thing is for sure, there is no fertilization. Okay? There is no fertilization between two different gametes. Yaad rakho, apomixis mein do gametes ke beech mein fertilization nahi hota hai. फिर भी एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में क्या बोला है हमको? इट इज द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? एम्ब्रियो इज बीइंग फॉर्म्ड बट नो फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस. और हमने तो यही पढ़ा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो जायगोट बनता है और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है. पर यहां पर तो अलग अलग गैमेट्स यूज ही नहीं हो रहे हैं, तो एम्ब्रियो कैसे बनना है? दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. लेट्स सी. अल्टरनेटिवली यू कैन कॉल इट एज अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि दो अलग अलग गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है. और ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बन रहा है. समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? इट इज असेक्सुअल ऑल्सो बिकॉज नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व, नो डिफरेंट गैमेट्स आर इन्वॉल्व. एंड इट इज सेक्सुअल ऑल्सो बिकॉज एम्ब्रियो इज बीइंग फॉर्म्ड. सो व्हाट इज इट? है क्या ये एक्चुअली? लेट्स सी दैट. इट इज अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर देयर इज नो मियोसिस. यहां पर आपको मियोसिस देखने नहीं मिलेगा. अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, वो मियोसिस करके चार हेप्लॉइड सेल्स बनाता है. क्विकली देख लेते हैं डायग्राम, तो आपको फटाक से याद आ जाएगा. मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस कर रहा है, मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बना रहा है. ये भूलिए मत, ये मेगास्पोर मदर सेल आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको दिखाने वाला है. तो ये याद रखो कि मेगास्पोर मदर सेल बोलूंगी मतलब सिंगल ओस्पोर, विच इज एक्चुअली डिप्लॉयड इन नेचर. इनिशियली ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है. ओके, तो यहाँ पर हमको अपोमिक्सिस में ये मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा. आपका मेगास्पोर मदर सेल ऐसा ही रहेगा. There is no meiosis in apomixis. Let's get back to our topic. Yeah. Yes. So as you can see, it is unusual sexual reproduction where there is no meiosis. एंड नो सिंगल. क्या बोला है हमको इधर पे कि हमको इस रिप्रोडक्शन में क्या देखने को नहीं मिलता है? मियोसिस देखने को नहीं मिलता है और
सिन गैली देखने को नहीं मिलती है. देयर इज नो मियोसिस एंड नो सिन गैली. सिन गैली मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल. जब गैमेट ही नहीं है तो फ्यूजन कहां से होगा. एम्ब्रियो डेवलप्स इन द ओव्यूल. एम्ब्रियो डायरेक्टली कहां पर डेवलप हो रहा है, जहां पर वो बढ़ता है, ओव्यूल में ही डेवलप होता है. एंड ओव्यूल डेवलप्स टू फॉर्म सीड. मतलब विदाउट फ्यूजन, इमेजिन, ओके, विदाउट फ्यूजन योर एम्ब्रियो इज फॉर्म एंड दैट एम्ब्रियो इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू सीड. सब कुछ एज इट इज हो रहा है बट विदाउट फ्यूजन. ओके, हाउ? लेट्स सी. क्या बोला हमने यहाँ पर कि हमारा
एक अपोमिक्सिस कैसा है कि इसमें एम्ब्रियो तो बनेगा, दैट्स फॉर श्योर। क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो बनेगा, पर एम्ब्रियो बनने से पहले एम्ब्रियो सैक कहां से आएगा? एम्ब्रियो सैक आने के दो तरीके हैं इसमें, या तो वो आर्किस्पोरियल सेल से बने, जब आर्किस्पोरियल सेल अलग अलग लेयर्स बनाता है, पराइटल लेयर, विसरल लेयर्स, अलग अलग लेयर्स बनाता है, उसी टाइम पे आर्किस्पोरियल सेल एम्ब्रियोसाइट बना देगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि न्यूसेलस, ओव्यूल के बाहर जो न्यूसेलस होता है वो न्यूसेलस एम्ब्रियोसाइट में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दीज आर दी टू सोर्सेस ऑफ एम्ब्रियोसैक इन रेकरेंट अपोमिक्सिस। नेक्स्ट टर्म, व्हाट हैपेंस इन डिप्लोस्पोरी? डिप्लो मींस टू, ओके, डिप्लोइड गैमेट। इन डिप्लोस्पोरी द अनरिड्यूस्ड एज इन अनडेवलप्ड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल। अभी मैंने आपको दिखाया था मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि आपका सिंगल ओव्यू या सिंगल ओवरी। ओके, सिंगल ओव्यू, टू बी प्रिसाइज, सिंगल ओव्यू। इन डिप्लोस्पोरी द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्लोइड मेगास्पोर मदर सेल। मतलब आपका जो मेगास्पोर मदर सेल था वही एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो गया, उसने मियोसिस वगैरह कुछ नहीं दिखाया, वो खुद सील बन गया। सिंपल, प्रॉब्लम ही सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल टेराक्सेकम, ओके, इन अपोस्पोरी, ये डिप्लोस्पोरी था, इसमें क्या होगा? अपोस्पोरी में द न्यूसेलर सेल्स, जो ओव्यूल के बाहर न्यूसेलर्स होता है ना, सपोज दिस इज योर ओव्यूल इंटीग्यूमेंट्स, यहाँ पर जो न्यूसेलर्स होता है, न्यूसेलर्स के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, सो अपोस्पोरी में क्या होगा? दिस इज योर न्यूसेलर्स। अपोस्पोरी में क्या होगा? द न्यूसेलर सेल्स विल गिव राइज टू अपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। आपका ये न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूसेलस कौन से सेल से बना है? पैरेन्काइमस सेल से। कौन से सेल से बना है? पैरेन्काइमा सेल से। और मेरे स्टूडेंट्स को याद होगा कि पैरेन्काइमा सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट दे आर ऑलवेज रेडी टू डिवाइड। वैसे वो परमानेंट टाइप में भी आते हैं, परमानेंट टिश्यू में भी आते हैं, और वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू के जैसा भी रोल प्ले करते हैं। सो व्हेन टाइम कम्स they can become permanent, and when time comes they can start dividing also. और जब कोई चीज, जब कोई सेल डिवाइड होता है तो वो अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर सकता है, they differentiate. Differentiating means deciding the destiny. Okay? So the new cellular cells, they differentiate to form what? They differentiate to form embryo sac. This is recurrent apomixis. What is next type? The next type is non-recurrent apomixis. What is the next type? Non-recurrent apomixis. What happens in this? Let's see. I hope that the points are being clear to you. In non-recurrent apomixis, megaspore mother cell, it undergoes usual meiotic division. यहाँ पर क्या होगा? Meiosis होगा. And a haploid embryo sac is formed. जैसे हमने initially देखा, आप diagram में पलट कर देख सकते हो अपने textbook में, कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मियोसिस करके चार सेल्स बनेंगे, उसमें ऊपर के तीन सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, नीचे वाला सेल एम्ब्रियो सैक बनाएगा, सो वहां तक प्रोसेस सेम होगा। हियर द एम्ब्रियो अराइजेस आइदर फ्रॉम द एग बाय पार्थेनोजेनेसिस और फ्रॉम सम अदर हैप्लोइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट थ्रू अपोगैमी। यस, ये पॉइंट वापिस पढ़ती हूं मैं। नॉन रेकरेंट अपोमिक्सिस में क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस दिखाता है, नॉर्मल मियोसिस कंटिन्यू दिखाता है उसमें, लेकिन एम्ब्रियो कैसे बनेगा? मियोसिस का लास्ट स्टेज क्या है? आप अगर वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे तो दिस इज योर लास्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ओके, यहां तक आगे स्टॉप हो जाता है, अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे फर्टिलाइजेशन होगा। यही ट्रिक है नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस में। क्या होता है? एम्ब्रियो कहां से बनेगा? एम्ब्रियो एज इन ये जायगोट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फिर हमको मिलता है जायगोट, और ये जायगोट आगे डेवलप होता है एम्ब्रियो। सो ये एम्ब्रियो कहां से मिलेगा हमको? अब यहां पर मेल गैमेट तो है नहीं, बिकॉज दिस इज टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज अपोगैमी, नो मेल गैमेट और नो फीमेल गैमेट। सो हियर द एम्ब्रियो अराइजेस आइदर फ्रॉम द एग, ये एग खुद को
साइबोर्ग में कन्वर्ट कर लेता है, खुद को डिप्लॉयड कर लेता है बाय पार्थेनोजेनेसिस. व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? वी विल सी अहेड. और इट विद द हेल्प ऑफ सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब हो सकता है कि सिनर्जिक के साथ ये फ्यूज होके खुद को एम्ब्रियो बना ले, या एंटीपोडल सेल यहाँ पर आकर इसको फ्यूज करके एम्ब्रियो बना ले. कुछ भी हो सकता है. जो नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस है उसमें मेल गैमेट नहीं आएगा. एम्ब्रियो सैक के अंदर ही अंदर जो हमारा मेन एग सेल है वो कैसे भी करके किसी भी सेल के साथ फ्यूज होके खुद को एम्ब्रियो बना लेता है. दैट हैपेंस विद नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस. ओके, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जनरली स्टराइल. नाउ इट इज ऑब्वियस कि यहाँ पर कोई दूसरा मेल गैमेट या दूसरा फीमेल गैमेट तो आया नहीं. एक ही गैमेट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर था उसने ही खुद को रिप्रोड्यूस किया, उसने ही खुद को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लिया. तो जब आप इस प्लांट को ग्रो करोगे, मतलब ये एम्ब्रियो जो आगे जाके सीड बनेगी, और इस सीड से जब आप कोई नया प्लांट ग्रो करोगे तो उस नए प्लांट में जो फ्लावर्स आएंगे वो स्टराइल होंगे. स्टराइल एज इन ना ही उनमें मेल गैमेट होगा और ना ही उनमें फीमेल गैमेट होंगे. दे विल बी सेक्सुअली स्टराइल, दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. एंड एग्जाम्पल इज निकोटिया. Okay, so this point is very important to remember that when you grow a plant by non-recurrent apomixis, you get sterile plants. What do you get? Sterile plants. Okay, all right. The third type is adventive embryo. What is the third type? Adventive apomixis or adventive embryony. Embryony means what? Embryony means embryo formation. Okay, what happens in this type? In this type, embryos may develop from somatic mucilus. Same, mucilus से बन सकता है embryo या हो सकता है, इसमें कुछ नया है. Either the embryo may form from mucilus or it may form from integuments. Ovule का जो outer membrane है, that can also become embryo sac. So the embryos can be developed from mucilus or integuments along with normal zygotic embryo. क्या बोला है यहाँ पर? नॉर्मल एम्ब्रियो तो बनेगा, मतलब समझो ये कोई ऐसी स्पीशीज है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बाहर से मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट को फ्यूज करके सिनगैमी दिखाई. ओके, एक नॉर्मल जायगोट बन गया लेकिन उसके साथ एबनॉर्मल जायगोट्स भी बन गए. ओके, न्यूसिलस से या इंटीग्रमेंट्स. इट इज कॉमन इन मैंगो, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा. इट गिव्स राइज टू कंडीशन कॉल्ड पॉली एम्ब्रियो. तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि आपके फ्रूट के अंदर एक नॉर्मल जायगोट है, सॉरी सीड फ्लावर के अंदर एक नॉर्मल जायगोट बन गया है, लेकिन उसके अलावा न्यूसिलस से या इंटीग्यूमेंट से और नए नए जायगोट बन रहे हैं और नए नए एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो अब ये क्या सिचुएशन हो गई? एक नॉर्मल एम्ब्रियो और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियोनी की सिचुएशन क्रिएट होती है. क्या क्रिएट होती है? पॉली एम्ब्रियोनी. लेट्स सी व्हाट इज पॉली. पॉलीएम्ब्रियोनी से पहले एक पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इफेक्टिवली एंड रैपिडली बाय अपोमिक्सिस. दिस इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ अपोमिक्सिस, कि अपोमिक्सिस का क्या यूज है. अपोमिक्सिस से कैसे प्लांट्स आपको मिलेंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिकॉज इट इज सो ऑब्वियस. आप बाहर से कोई नया गैमेट इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो, प्लांट खुद से खुद का एम्ब्रियो बना रहा है, तो कुछ जेनेटिक इवोल्यूशन या जेनेटिक वेरिएशन होगा ही नहीं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीशीज. ओके, अब हमने ऊपर देखा था पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस. व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? लेट्स हैव अ लुक एट इट. पार्थेनोपार्की, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज कॉइंड. कॉइंड मीन्स इट वॉज डिराइव्ड बाय नॉल इन 1902. इट इज द कंडीशन इन विच, यहां से डेफिनेशन आपका स्टार्ट होता है. It is the condition in which fruit is developed without the process of fertilization. क्या हुआ यहाँ पर? Fruit बना लेकिन बिना fertilization. मतलब male female gamete का यहाँ पर कोई fusion नहीं. It is a type of apomixis only. It occurs naturally in some varieties of pineapple. मतलब हमको examples बताए गए हैं कि पार्थेनोफार्पी कौन कौन से fruits में देखा जाता है. Pineapple में, banana में, papaya में, etc. क्या होता है उन प्लांट्स में? इन दीज प्लांट्स इट सीम्स दैट द प्लेसेंटल टिश्यू एज इन दिस इज योर ओव्यूल, ये
placental tissue means this. Okay. In these plants, it looks like that the placental tissue in the unfertilized ovary produces auxin. This is very, very important. Partherophyte में किसका बहुत important role होता है? Auxin का. Auxin, that is IAA, indole 3 acetic acid, entrance students, star market, this is very important. Auxin का chemical name क्या है? Indole acetic acid, very, very important from entrance point of view. And one mark का question भी आ सकता है boards में. So, दोनों के लिए important है. So, parthenocarpy में क्या होता है? Fertilization नहीं हुआ. Male और female gamete का fertilization नहीं हुआ. लेकिन, जो हमारी ovule का placenta था, उस placenta ने क्या बनाया? Auxin hormone बनाया. क्या बनाया? Auxin hormone, which is responsible for enlargement of ovary into fruit. आपके question का answer मिल गया. बिना fertilization के fruit कैसे बना? कैसे बना? With the help of hormone. Which hormone? Auxin. Auxin याने indole acetic acid. Okay? So what is parthenogenesis? When fertilization is not taking place, but you are still getting the fruit without seed. Fertilization नहीं हुआ, तो seed बनने का सवाल ही नहीं उठता है. Correct? क्योंकि seed बनने के लिए embryo बनेगा, endosperm बनेगा, but fertilization भी नहीं हो रहा है. So, fertilization जब नहीं होता है, फिर भी fruit मिलता है. That is with the help of parthenogenesis or parthenocarpy. And as you can see, a very good example of parthenocarpy is banana and pineapple. Okay? और ये possible है only because of auxin hormone. The fruit resembles the normally produced fruit, but it is seedless. This is important point. Parthenocarpic fruits कैसे होते हैं? Seedless in nature. Okay? बहुत ही simple सा topic है parthenocarpy. 2 mark का short code आप इस पर expect कर सकते हो. So make sure that you understand it very well. What is parthenocarpy? Parthenocarpy is nothing but formation of fruit without fertilization with the help of auxin hormone. Okay. अभी हमने देखा polyembryony, जो third type of apomixis था, adventive apomixis, उसमें ये word आया था polyembryony. What is polyembryony? जब normal zygote के साथ साथ आपको extra embryo मिले, मतलब multiple embryo. Poly means many. That is polyembryony. Let's have a textual definition. It is the development of more than one embryos. What is polyembryony? Development of more than one embryos inside the seed. And the condition is described as polyembryony. Very simple, easy to remember. It was first noticed by Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek, in the seeds of citrus genus. Leeuwenhoek ne inko concept fruit ke seeds mein dekha tha? Citrus fruits ke seeds. Okay? It is the occurrence of more than one embryo. Ab baar baar same cheez repeat ho rahi hai. Kya hota hai polyembryo mein? एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं. इट इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड व्हिच कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपल सीडलिंग्स. यानी कि एक ही फ्रूट में एक से ज्यादा सीड है तो आपको बहुत सारी सीड मिलेंगी. एक एग्जांपल, कस्टर्ड एप्पल. ओके, द एडिशनल एम्ब्रियोज रिजल्ट फ्रॉम, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है वो कहां से आते हैं? हमने अभी पढ़ा था एडवेंटिव एपोमिक्सिस में, हमने पढ़ा था ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो कहां से आते हैं? या तो न्यूसिलस से या तो इंटीग्यूमेंट्स. सो द एडिशनल एम्ब्रियोज रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटर्नल एंड जायगोटिक टिश्यूज एसोसिएटेड विद द ओव्यूल ऑफ द सीड. सीड के ओव्यूल से जो जो टिश्यू इन्वॉल्व है, जैसे इंटीग्यूमेंट्स हो गए, न्यूसिलस हो गए, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनाते हैं. पॉली एम्ब्रियोनी मे बी ट्रू मे बी फॉल्स. अब ये पॉलीएम्ब्रियोनी दो तरीके का हो सकता है. बहुत बार क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सीड्स मिलती हैं, वो वेस्ट होती है, उनसे कोई नया प्लांट ग्रो नहीं होता है, और बहुत बार इट इज यूजफुल. सो ये दोनों ही सिचुएशन, आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन वेदर द एम्ब्रियोस अराइज इन द सेम एम्ब्रियो सैक और इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक. ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट. क्या बोला गया है हमको यहां पर? कि हमारा जो पॉलीएम्ब्रियोनी फ्रूट हमको मिला है, इट इज ट्रू और फॉल्स, ये कैसे डिसाइड होगा? इट डिपेंड्स कि वो सेम एम्ब्रियो सैक में बना है या वो डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में बना है.
ओके इन एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी एन एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट्स. इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी दो तरीके का पॉलीएम्ब्रियोनी होता है. एडवेंटिव वाला हमने पहले ही देखा. ये नया क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या बता रहा है हमको? इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जाइगोट सम जाइगोट प्रोएम्ब्रियो. जाइगोट प्रोएम्ब्रियो आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि आपका जो जाइगोट होता है वो दो सेल में डिवाइड होता है, प्रोएम्ब्रियो बनाता है, फिर चार सेल बनते हैं, आई शेप स्ट्रक्चर, फोर सेल प्रोएम्ब्रियो. सो कुछ सेल्स में क्या होता है, एडवेंटिव प्रोएम्ब्रियो में क्या हुआ कि एक ओरिजिनल जाइगोट था और बाहर के सेल्स से नए एम्ब्रियोज बने, मतलब न्यूसिलस से और इंटीग्यूमेंट से नए एम्ब्रियो बने. ये किसमें हुआ? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियो में. और क्लीवेज, क्लीवेज मीन्स ब्रेकिंग. क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल जाइगोट है ये एक से दो बना, मतलब इसमें माइटोसिस हुआ, प्रोएम्ब्रियो बना. दिस प्रोएम्ब्रियो गेट्स सेपरेटेड एंड इट फॉर्म्स टू एम्ब्रियोस. ओके सो दिस इज योर ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी. ये आपका ट्रू सीड है. और फॉल्स वाला कौन सा होगा? एडवेंटिव वाला. कौन सा होगा? एडवेंटिव वाला. अब क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी से जो सीड मिलेगा उससे नए प्लांट्स ग्रो होंगे, और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी से जो नए एम्ब्रियोज बने हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज, ओरिजिनल जायगोट को छोड़कर न्यूसिलस से जो नए एम्ब्रियोज बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल जायगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, नए एंडोस्पर्म बनाकर. ओके लेट्स सी. इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जायगोट प्रोएम्ब्रियो समटाइम डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स और यूनिट्स, और फिर यही यूनिट्स डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. पॉलीएम्ब्रियोनी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द न्यू प्लांट्स, क्योंकि जितने ज्यादा सीड्स उतने ज्यादा प्लांट्स उतना ज्यादा सर्वाइवल. न्यूसिलर एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर. जो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी होता है जो न्यूसिलस से बनता है, हॉर्टिकल्चर एज इन वो प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. तो आप जब उसको किसी सीड के साथ मिक्स करोगे, न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियो जो है, जब आप उसको किसी सीड के साथ इन्वॉल्व करोगे या मिक्स करोगे, तो इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. और आपको पता ही है व्हाई एंडोस्पर्म इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द सीड. ओके ऑलराइट, लेट्स जस्ट हैव अ लास्ट लुक एट द पॉइंट्स. ओके यहां पर आपको जिस्ट दिया गया है, समरी दी गई है. What is parthenogenesis? It is the development of embryo directly from egg cell or male gamete without any fertilization with the help of auxin hormone. It is a kind of apogamy. What is agamospermy? Agamo means no gamete. Okay. Here plants produce seeds, but embryo inside it is produced without meiosis and without fertilization. ओके एपोस्पर्मी में क्या हो रहा है? प्लांट सीड तो बना रहा है. ओके जैसे अभी हमने देखा पॉलीएम्ब्रियोनी में, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. पॉलीएम्ब्रियोनी में फर्टिलाइजेशन हुआ, उधर नॉर्मल जायगोट होता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होते हैं. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना सीड्स बन रहे हैं. ओके पार्थेनोपार्पी में क्या होगा? ओके डियर स्टूडेंट्स, पार्थेनोजेनेसिस इज अ डिफरेंट थिंग एंड पार्थेनोकार्पी इज अ डिफरेंट थिंग. पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. इधर पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल. यहाँ पर क्या हो रहा है? एग सेल पहले एम्ब्रियो बन रहा है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हो रहा है. हियर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस फ्रॉम एग सेल इन पार्थेनोजेनेसिस. और पार्थेनोकार्पी में हॉर्मोन का यूज होता है. प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क दिस पॉइंट. ओके पार्थेनोजेनेसिस में एम्ब्रियो बनता है विदाउट फ्यूजन, और पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बनता है विथ हॉर्मोन. ओके इट कैन बी इंड्यूस्ड. इंड्यूस मीन्स ट्रिगर्ड आर्टिफिशियली बाय स्प्रेइंग ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स, दैट इज गिबरेलिन्स, डीलेइंग पॉलिनेशन, यूज ऑफ फॉरेन पॉलिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सीडलिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूसेलर एम्ब्रियोस. अभी हमने जो देखा ना यहाँ पर ये पॉइंट that mucilar embryos are very important in horticulture. So first point that is
देने एंडोस्कोप, ये जो पॉइंट हमने देखा यहाँ पर, ये न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियो जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हॉर्टिकल्चर में. क्यों? बिकॉज व्हाई? यस, बिकॉज द लास्ट पॉइंट इज इट दैट द न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉर्टिकल्चर बिकॉज दे गिव अस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स. क्या देते हैं वो हमको? जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सीडलिंग्स. तो इससे क्या होगा कि कोई अगर एक स्पीशीज आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करनी है तो आप उसमें पॉलीएम्ब्रियो नहीं करोगे और उससे जो मल्टीपल सीडलिंग्स एक अटेम्प्ट में मल्टीपल सीडलिंग्स मिलेंगी. सोचो एक बार में 10 सीड मिली तो ऐसे 10 प्लांट ग्रो करोगे तो 100. सो इट इज वेरी मच यूजफुल टू अस और उससे जेनेटिकल प्लांट्स हमको मिलेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स. ओके, सो वी आर फाइनली डन विद आवर चैप्टर. ओके, वी आर फाइनली डन विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. I hope that the lectures that were given by me were pretty helpful to you. And if you haven't understood any single point or if you have doubt in any particular concept, then please feel free to ask that doubt in our comment section. Do not forget to practice the diagrams that are given in this chapter. Okay, development of male gametophyte, development of female gametophyte. It is very important from exam point of view. And I hope that we are helping you in a better way. And we wish to continue the same. And if you liked our lecture, then please do not forget to comment your experience in our comment section. Do not forget to hit on the like button. And if you haven't shared it yet, share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you. See you soon with a new chapter.